हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू कटलेट, मींस पटैटो कटलेट। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। यहाँ पर मैंने बॉईल करके पटैटो ले लिया है और मैंने फ्रिज में रख दिया था उसे आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने लिया है रवा, चावल का आटा, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, और ले लिया है थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और ले लिया है चिली और थोड़ा सा अपना जीरा। उसके बाद मिक्स करके इसे अच्छे से एक उसका डो बनाएंगे। इसके बाद हाथ से उसे अच्छे से मिक्स करके उसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे और उसे रख देंगे ऑयल लगा के फॉर 15 मिनट्स। रेडी हो चुका है, आप अभी उसे रख सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। अपने थोड़ा सा ऑयल लेके आप अपना बैटर जो है आपने बनाया हुआ उसे राउंड शेप देके उसे रख देंगे। देखिए उसे कैसे मैंने राउंड शेप बनाया, वैसे ही आप बनाना। रेडी हो चुका है, अब आप उसे फ्रिज में रख दीजिए फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। पैन भी रेडी हो चुका है, मैंने उसे हीट कर लिया है फॉर 5 मिनट्स। अभी कटलेट डाल सकते हो और उसके बाद उसे मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा अपने पैन पे। हमारा कटलेट थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अभी उसे टर्न करेंगे। ये मैंने विदाउट रवा लगा के फ्राई किया है, ये वाला मैंने रवा लगा के फ्राई किया है। रवा लगा के थोड़ा क्रिस्पी होता है और बहुत टेस्टी लगता है। कटलेट रेडी हो चुका है, एंजॉय।